यह सबसे बड़ी दिक्कत आती है इनका नाम याद रखने में। तो पहला तो सबको याद रहेगा फियोदोर, ठीक है, दोस्तोयेवस्की, ये कैसे याद रखे भाई, पहले तो है दोस्तों, दोस्तों आ गया, और एवस्की दोस्तों मित्रों, मित्रों तो मित्रों हर कोई याद रख सकता है, दोस्तोयेवस्की मिला दोगे तो आपको इनका नाम याद रह जाएगा। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और काफ़ी प्रख्यात एक लेखक ये रहे हैं अपने वक्त के, रशियन, जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा था, रशियन जो तुम्हारा नाहिलिस्टिक मूवमेंट आया था बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइक्स ऑफ शोपेनहावर, हेगेल एंड कांट, उन्होंने उनकी फिलॉसफी ने कुछ ऐसे ऐसे प्राणी निकाल के दिए जो कि ये थे। ठीक है, अब इनका काम जो है प्राइमरली रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, जिससे ये वेरी मच इंट्रांस्ड थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे भैया फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करते। तो कुछ चंद शब्द हम इनके ऊपर बोलना चाहेंगे और यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही कि भैया सफरिंग, सर पहला पॉइंट अगर इनका लें तो सफरिंग सब में कॉमन है, हर इंसान अलग है, हर इंसान के दिमाग की चाबी, यार ये ब्राइटनेस का थोड़ा झोल है, थोड़ा बेयर करें हमारे साथ, नया ज़रा कैमरा है, तो इंसान, हर इंसान के दिमाग की चाबी, उसकी जो कुंजी है वो अलग है, लेकिन सफरिंग सबको मिलाता है, हर इंसान का ये भेजा, समझ लो भेजा, एक दूसरे से अलग है, ठीक है, अलग है, लेकिन उस सबको सफरिंग जोड़ता है, सफरिंग सबको जोड़ता है, चाहे कुछ भी हो, सफरिंग एग्जिस्ट करती है एक इंसान की लाइफ में। सफरिंग से इन्होंने कहा, क्या कहा, कि एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, हमेशा कहा जाता है कि तुम्हारा नीचा को और दोस्तोयेवस्की को एक साथ पढ़ो, पैरेलल पढ़ो तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। एक तरफ नीचा कह रहे हैं कि तुमने बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया तो तुम्हारे अंदर सफरिंग आई कि गॉड इज़ डेड, गॉड की एग्जिस्टेंस तुमने, एग्जिस्टेंस नहीं कहेंगे, गॉड को तुमने ख़त्म कर दिया एक तरीके से, तुम्हारी हरकतों की वजह से गॉड इज़ डेड, यू हैव किल्ड गॉड। ये कह रहे हैं कि सफरिंग की वजह से अब तुम्हारा भरोसा आना चाहिए स्पिरिचुअलिटी पे, सेल्फ बिलीफ पे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे, अपने आप से रूबरू हो, अपने आप से परे हो कि भैया क्या हूँ मैं, क्या चीज़ हूँ, क्या मेरे बिलीफ सिस्टम है, अब अपने बिलीफ सिस्टम को इवैल्यूएट करो। वहाँ बिलीफ सिस्टम को इवैल्यूएट करके बिलीफ सिस्टम टूटा, नीचा ने कहा भैया सफरिंग आएगी, ठीक है, डॉन ऑफ नाइलिज्म, यहाँ दोस्तोयेवस्की कह रहे हैं कि भैया सफरिंग है तुम्हारे अंदर, पहले से सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, अब अपने बिलीफ सिस्टम को रीइवैल्यूएट करके वापस से सोचो, अपने को गॉड से कनेक्ट करो। ये तो इन्होंने कहा कि भाई सफरिंग के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी इनका बोलबाला था, स्पिरिचुअल तुम बनने की कोशिश करो, और तीसरा तुमको वर्ल्ड के बारे में पता लगेगा, जब तुम ये कर लोगे तुम्हें दुनिया के बारे में पता लगेगा, क्या सही है क्या गलत है, कितने पर्सपेक्टिव्स हैं, जो तुम कर रहे हो वो डिसीजन सही है या गलत जा रहा है, लोग तुम्हारा काट तो नहीं रहे, चलते चलते तुम्हारे कंटाप बजा दिया, भाई क्यों बजाया तुमने कंटाप, तुम होते कौन है हमारे कंटाप बजाने वाले, है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तोयेवस्की ने सवाल उठाया कि भैया जब तुम सफ़र करोगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, तब तुम्हें वर्ल्ड के बारे में समझ में आएगा। ये इनका सिंपल सा इक्वेशन ऑफ फिलॉसफी थी इन नटशेल। कुछ जब इन्होंने कह लिया तो इन्होंने कहा भैया सब होने के बाद तुम अपनी मोरालिटी को, मैं ज़्यादा मूवमेंट करता हूँ तो ये ज़रा इसकी ब्राइटनेस चली जाती है, मोरालिटी को रीइवैल्यूएट करेंगे आप, कि भैया जो मैं सफरिंग में आके बह के अपनी होश तो नहीं खो बैठूंगा, मैं कुछ बुरा तो नहीं कर दूंगा, मैं कुछ कांड तो नहीं कर दूंगा, मुझे अपनी मोरालिटी मेंटेन रखनी है। और उसी मोरालिटी को मेंटेन रख लेके उन्होंने कहा कि भैया तुम किससे रूबरू हो जाओ, 4-5 है ना ये, गॉड से, भाई गॉड से, गॉड के कॉन्सेप्ट से रूबरू हो जाओ, वो तुम्हें लाइन पे लाएगा, अपने जो डिलेमा तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, गॉड तुम्हें समझाएगा। एक तरफ तुम्हारे नीचे कह रहे हैं भैया गॉड इज डेड, ये कह रहे हैं भैया गॉड से हाथ मिला लो, गॉड से हाथ जोड़ लो, बहुत प्रोफाउंडली नहीं कह रहे हैं, बट ये कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का पाथ है सफरिंग, पाथ दे दिया हर तरीके के लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उल्टा पाथ हमारे जितना है, मतलब जो हम लोग अभी तक समझते आ रहे हैं दोस्तोयेवस्की ने सब कुछ तोड़ के नया पाथ दे दिया कि भैया सफरिंग होगी, सफरिंग से तुम स्पिरिचुअलिटी में जाओ, समझो स्पिरिचुअलिटी से तुम दुनिया के बारे में जानोगे, दुनिया के बारे में जानने के बाद तुमको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको समझने के लिए गॉड के कॉन्सेप्ट में जाओ भाई, गॉड से हाथ मिला लो जाके, द डिवाइन, स्टार्ट वर्शिपिंग द डिवाइन। तो ये था फियोदोर दोस्तोयेवस्की का एक बड़ा नटशेल में तुम्हारा एक फिलॉसफी। तो इसके ऊपर और अगर विस्तार से चाहिए तो बताना, इनकी फिलॉसफी को थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे, तो जैसा सही लगे, कॉमेंट्स हैं बताइए, तमीज़ के दायरे में रहते हैं। चलिए भैया निकलिए।